स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। असली गुनेगार तुम नहीं हो विरेन, कोई और है, कोई और। मैडम जी, महाराज जी खाना लगा रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। साहब को बता दो कि खाना तैयार है। मुझे खाना नहीं खाना। साहब से कह दो कि अगर वो अभी नहीं खाएंगे तो उन्हें रात को भूख लगेगी। साहब कह देना एक बार, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लग रही। ठीक है तरुण, तुम जाओ, मैं आती हूँ। और तरुण, थोड़ी गर्मी लग रही है, एक काम करो कि एसी का टेम्परेचर कम कर दो प्लीज। ऑर्डर भेज दिया, लेकिन लेकिन रिवोक कराना मेरा काम। जी हाँ। अरे खोसला साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आप बस जितनी भी बाकी तैयारियां वो करके कल ऑफिस आ जाइए। जी हाँ जी, मैं वहीं मिलूंगा। चलिए गुड नाइट।
तरुण सुन ले यार, एक ब्लैक कलर की पेन ड्राइव है, इतनी छोटी सी, पता क्या है? ढूंढता हूँ मैं। हाँ यार देखना प्लीज। कहाँ रख दी यार, मेरा सारा डेटा उसी में था, समझ में नहीं आ रहा कहाँ। जानता हूं कि मानवी को लेकर हम दोनों की ओपिनियन अलग है, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितना तुम मानवी के बारे में सोचते हो ना, उतना ही मैं भी मानवी के बारे में सोचता हूं। तो फिर वीरेन जी, आप बुआ जी को जाके कह क्यों नहीं देते कि विराट और माया का ब्रेकअप मानवी की वजह से नहीं हुआ? देखो जीविका, बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं जानता हूँ कि जब मैं बात बड़ी माँ को बताऊंगा, उनके पास इतने सवाल होंगे जिनका फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और आई एम श्योर कि सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। बस यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। बड़ी मैम, I'm sorry। आपने सही कहा था कि वकालत और दिल के रिश्तों में फर्क होता है, और मैंने एक गलती कर दी कि मैं उन दोनों को एक समझ बैठा। लेकिन सबसे बड़ी गलती मुझसे ये होगी कि मैंने आपका दिल दुखा दिया। लेकिन बड़ी मैम प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको माया की सच्चाई बताना चाहता था, बस मौका नहीं ढूंढ पाया। और फिर तुमने तय कर लिया कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे। एक बार हमें बताकर तो देखते वीरेन, हो सकता है कि पहली बार हम तुम्हारी बात पर गौर नहीं करते, लेकिन सच तो सच होता है ना, और सच की जीत हमेशा हुई है, इसलिए दूसरी बार हम तुम्हारी बात पर जरूर यकीन करते। लेकिन तुमने तो हमें नजरअंदाज ही कर दिया, पहल तक नहीं की बताने की। हम बार बार तुमसे पूछते रहे, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। कितना बुरा लग रहा है वीरेन। बड़ी मां, मैं माया की सच्चाई सबके सामने सबूत के साथ लाना चाहता था। मैं सबको बस ये बताना चाहता था कि माया विराट को खुश नहीं रख सकती, वो इस परिवार के लिए गलत है। बड़ी मां, हो सकता है कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन सब कुछ मैं विराट के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा था। बड़ी माँ हो गई ना मुझसे गलती, सॉरी, प्लीज प्लीज ना समझ, बेटे को माफ कर दो। और तुमसे नाराज रहकर हम चैन से जी पाएंगे? असली गुनहगार
तुम नहीं हो विरेन, कोई और है, कोई और। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.